खबर सिवनी से। बी बजरंग दल सिवनी ने 14 मार्च को ईओएस सिनेमा के मालिक से मुलाकात कर द कश्मीर फाइल्स फिल्म को सिवनी में रिलीज करने के लिए बातचीत की, साथ ही विरोध जताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विहित मीडिया प्रभारी शक्ति तेवर ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में फिल्म रिलीज हो चुकी है, सिवनी जिले में क्यों नहीं। साथ ही विहित द्वारा कहा गया कि अगर सिवनी में द कश्मीर फाइल्स नहीं दिखाई गई तो आगे भी कोई फिल्म नहीं दिखाया जाएगा, साथ ही ईओएस सिनेमा के खिलाफ विरोध किया जाएगा। ईओएस सिनेमा के मालिक ने दूरभाष से संपर्क करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग को मानते हुए सिवनी जिले में द कश्मीर फाइल्स को दिखाने का निर्णय लिया। 15 मार्च 12 बजे से पर्दे पर शो चालू किया जाएगा। इस अवसर पर प्रांत सुरक्षा प्रमुख बिक्की उपाध्याय, जिला अध्यक्ष अखिलेश चौहान, जिला संयोजक देवेंद्र सेन, जिला सह संयोजक माधव दुबे, जिला मीडिया प्रभारी शक्ति, नगर संयोजक केशव दुबे उपस्थित रहे। MP24 के लिए अंकित ठाकुर की रिपोर्ट। आज हम सभी बजरंगी सिवनी के ईओएस थिएटर पे आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में कश्मीर फाइल्स नाम की एक मूवी बनाई गई है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रसारित हो रही है और हर हिंदू उस पिक्चर को देखना चाह रहा है, लेकिन सिवनी के थिएटर में ये पिक्चर प्रसारित नहीं की जा रही थी। तो आज हमारे संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ आए और मैनेजर से बात करी तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इस पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स नहीं है, हम सिवनी में ये पिक्चर दिखा नहीं सकते। तब हमारे द्वारा उनसे निवेदन किया गया कि भैया इस पिक्चर का प्रसारण किया जाए और उनके मैनेजर के द्वारा अपने सीनियर ऑफिसर से बात की गई, उन्होंने इस हमारी मांग को मान लिया और संभवतः कल से इस पिक्चर का प्रसारण सिवनी में किया जाएगा।